किस्सा एक ऐसे कोलाहल का जिसका कारण है 35 एकड़ की जमीन, यानी इतनी बड़ी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा। मगर ये छोटा सा प्लॉट ही आज दुनिया की सबसे विवादित जगहों में से एक है, क्योंकि दुनिया के 3 बड़े धर्म इस प्लॉट पर दावा करते हैं। इस प्लॉट को हथियाने के लिए अभी तक कई युद्ध भी हो चुके हैं। कहानी है जेरूसलम की। जेरूसलम शहर के पुराने हिस्से में एक पहाड़ी के ऊपर फैला एक आयतकार प्लेटफॉर्म है। इसका एरिया है करीब 35 एकड़। इस कंपाउंड को यहूदी पुकारते हैं हर हबाइत। ये हिब्रू भाषा का एक शब्द है। इस नाम का प्रचलित अंग्रेजी संस्करण है टेंपल माउंट। इसी परिसर को मुस्लिम बुलाते हैं हरम अल शरीफ। एक ही जगह के अलग अलग नाम क्यों? इसकी वजह है दोनों धर्मों की मान्यताएं। यहूदी मानते हैं कि इस जगह पर उनके ईश्वर ने मिट्टी संजोई थी जिससे एडम का जन्म हुआ। एडम का मतलब है कि वो पहला पुरुष जिससे इंसानों की भावी पीढ़ियां अस्तित्व में आईं। यहूदियों की एक और मान्यता जुड़ी है टेंपल माउंट से। उनके एक पैगंबर थे अब्राहम। अब्राहम के 2 बेटे थे इस्माइल और इजाक। एक दफा ईश्वर ने अब्राहम से उनके बेटे इजाक की बलि मांगी। ये बलि देने के लिए अब्राहम ईश्वर की बताई हुई जगह पर पहुंचे। यहाँ अब्राहम इजाक को बलि चढ़ाने ही वाले थे कि ईश्वर ने एक फरिश्ता भेजा। अब्राहम ने देखा कि फरिश्ते के पास एक भेड़ खड़ी है। ईश्वर ने अब्राहम की भक्ति, उनकी श्रद्धा पर मुहर लगाते हुए इजाक को छोड़ दिया और उनकी जगह बलि देने के लिए भेड़ को भेजा। यहूदियों के मुताबिक बलिदान की वो घटना इसी टेंपल माउंट पर हुई थी। इसीलिए इसराइल के राजा किंग सोलोमन ने करीब 1000 ईसा पूर्व में यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया। यहूदी इसे कहते हैं फर्स्ट टेंपल। आगे चलकर बेबीलोनिया सभ्यता के लोगों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। तकरीबन 5 सदी बाद 560 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इस जगह पर एक और मंदिर बनाया। वो मंदिर कहलाया सेकंड टेंपल। इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से को यहूदी कहते हैं होली ऑफ होलीज, यानी कि पवित्र से भी पवित्र। एक ऐसी जगह जहां आम यहूदियों को भी पांव रखने की इजाजत नहीं थी, केवल श्रेष्ठ पुजारी ही इसमें प्रवेश पाते थे। ये सेकंड टेंपल करीब 600 साल तक वजूद में रहा। सन 70 में रोमन ने इसे भी तोड़ दिया, लेकिन इस मंदिर की एक दीवार आज भी मौजूद है और इसे कहते हैं वेस्टर्न वॉल। ये दीवार उस प्राचीन सेकंड टेंपल के बाहरी अहाते का हिस्सा मानी जाती है। यहूदी अपनी ये मान्यताएं जानते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि मंदिर का भीतरी हिस्सा यानी कि होली ऑफ होली टेंपल माउंट के किस हिस्से में स्थित था। चूंकि प्राचीन समय में आम यहूदियों को वहां जाने की छूट नहीं थी, सो कई धार्मिक यहूदी आज भी ऊपरी अहाते में पांव नहीं रखते, वो वेस्टर्न वॉल के पास ही प्रार्थना करते हैं। ये तो हुई यहूदियों की मान्यता। अब बात करते हैं इस मामले के दूसरे पक्ष यानी कि मुसलमानों की। उनका क्या दावा है? मुस्लिमों के मुताबिक इस्लाम की सबसे पवित्र जगहों में से पहले नंबर पर है मक्का, दूसरे नंबर पर है मदीना और तीसरे नंबर पर है हरम अल शरीफ, यानी कि जेरूसलम का वो 35 एकड़ का अहाता। इस इस्लामिक मान्यता का संबंध है कुरान से। कुरान के मुताबिक सन 621 की एक रात की बात है, पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से जेरूसलम आए और यहीं से वो ऊपर जन्नत में चढ़ गए। फिर जन्नत में जाने के बाद उन्हें अल्लाह के कुछ दिए गए आदेश मिले। क्या था इन आदेशों में? इसमें बताया गया था कि इस्लाम के मुख्य सिद्धांत क्या है। मसलन दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई। इसके 4 साल बाद मुस्लिमों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। तब यहाँ बाइजेंटाइन एम्पायर का शासन था। मुस्लिमों ने जेरूसलम को जीता और आगे चलकर उम्मीद खलीफाओं ने जेरूसलम में एक भव्य मस्जिद बनवाई। इसका नाम रखा अल अक्सा। अरबी भाषा में अक्सा का मतलब होता है सबसे ज्यादा दूर, और इसी अल अक्सा मस्जिद के सामने की तरफ एक सुनहरे गुम्बद वाली इस्लामी इमारत। इसे कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। मुस्लिम मानते हैं कि सदियों पहले उस रात को उड़ने वाले घोड़े पर सवार पैगंबर मोहम्मद ने जेरूसलम में पहली बार जहाँ पांव रखा उसी जगह पर है अल अक्सा मस्जिद, और जिस जगह से उड़कर वो उस रात जन्नत चढ़े वहीं पर है जिसे कहा जाता है डोम ऑफ द रॉक। और ये दोनों इमारतें जेरूसलम में हैं कहाँ? जी हाँ, उसी 35 एकड़ वाले आयतकार कंपाउंड के भीतर, जिसे यहूदी अपने प्राचीन मंदिरों की लोकेशन मानते हैं। अब आपको इस लोकेशन को लेकर बने हुए झगड़े की वजह समझ आ गई होगी, मगर सवाल अब ये है कि टेंपल माउंट और हरम अल शरीफ पर कंट्रोल किसका है? जवाब है इट्स कॉम्प्लिकेटेड। कैसे? ये जानने के लिए हमें फिर से हिस्ट्री बांटनी पड़ेगी। इतिहास में एक दौर हुआ था क्रूसेड का। क्रूसेड यानी कि होली वॉर। आसान शब्दों में कहा जाए तो ऐसे युद्ध जो धर्म के आधार पर लड़े जाते हैं। ये क्रूसेड हुए थे ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच, और इसकी वजह क्या थी? तो बता दें कि जब इस्लाम का विस्तार शुरू हुआ तो इस्लामिक साम्राज्य ने ईसाइयों द्वारा पवित्र मानी जाने वाली कई जगहों को जीत लिया। जेरूसलम भी इसमें से एक था। ये बात चर्च को असहनीय थी क्योंकि जेरूसलम उन्हें भी बहुत अजीज था। ईसाई धर्म में जेरूसलम की क्या वैल्यू थी? ईसाई मानते थे कि ईसा मसीह ने इसी शहर में अपना उपदेश दिया।
यहीं उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और यहीं पर दोबारा वो जीवित हुए थे। ईसाई ये भी मानते हैं कि एक रोज ईसा वापस दुनिया में लौटेंगे और उन्हीं सेकेंड कमिंग में जेरूसलम का अहम किरदार होगा। अब इन सारी मान्यताओं की क्रोनोलॉजी देखिए। सबसे प्राचीन मान्यता है यहूदियों की। सबसे प्राचीन इसलिए क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों यहूदी धर्म के बाद आए। यहूदियों पर हमला किया रोमन्स ने, उन्होंने जेरूसलम पर कंट्रोल किया। फिर आए मुसलमान, उन्होंने जेरूसलम को अपने कंट्रोल में लेकर यहाँ धार्मिक इमारतें बनवाईं। फिर आगे चलकर ईसाइयों और मुस्लिमों में धर्म युद्ध शुरू हुआ। इसमें पहला युद्ध जेरूसलम के लिए लड़ा गया। इस फर्स्ट क्रूसेड के तहत जुलाई 1099 में ईसाइयों ने जेरूसलम को जीत लिया, लेकिन ये जीत ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रही। 1187 में मुस्लिमों ने जेरूसलम को वापस हासिल कर लिया और उन्होंने हरम अल शरीफ का प्रबंधन देखने के लिए वक्फ यानी कि इस्लामिक ट्रस्ट का गठन किया। पूरे कंपाउंड का कंट्रोल इसी ट्रस्ट के हाथ में था और यहाँ गैर मुस्लिमों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सदियों तक ऐसी ही व्यवस्था बनी रही। फिर आया 1948 का साल। इस बरस गठन हुआ इसराइल का, उसी जमीन पर जहाँ फिलिस्तीनियों का देश था। फिलिस्तीन और इसराइल दोनों के अपने अपने दावे। फिलिस्तीन का कहना था कि हमारे देश में दूसरा देश कैसे बनेगा। उनकी मांग थी कि कहीं और बनाया जाए यहूदी देश, लेकिन यहूदी इसके लिए राजी नहीं थे। उनका कहना था कि वो कहीं और क्यों जाएंगे, ये जमीन तो उनके पुरखों की है। उन्हें सदियों तक इस जमीन से बेदखल रखा गया, अब उन्हें जमीन वापस चाहिए। यहूदियों की इस दावेदारी का आधार क्या है? इस दावे पर बतौर सबूत इसराइल का आधार है एक धर्म ग्रंथ जिसका नाम है हिब्रू बाइबल। इस बाइबल का पहला हिस्सा कहलाता है बुक ऑफ जेनेसिस। इसके एक भाग का नाम है कोवेनेंट बिटवीन गॉड एंड अब्राहम, यानी ईश्वर और अब्राहम के बीच हुआ करार। कैसा करार? यहूदियों के मुताबिक उनके पूर्वज अब्राहम पहले मेसोपोटामिया में रहते थे। ईश्वर के आदेश पर वो अपना घर बार छोड़कर नई जगह पहुंचे। ये जगह पश्चिमी एशिया में थी और तब इसे कहते थे लैंड ऑफ कैनन। यहूदी मान्यता के अनुसार इस जगह के लिए खुद ईश्वर ने अब्राहम को अपनी जुबान दी थी। कहा था अब्राहम की संतान यहीं पर एक नया देश बसाएंगे। हमने आपको अब्राहम के बेटे इजाक की कहानी सुनाई थी। उन्हीं इजाक के बेटे का नाम था जेकब और इन्हीं जेकब का एक नाम था इसराइल। जेकब उर्फ इसराइल के 12 बेटे हुए, वो कहलाए 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल। और इन्हीं कबीलों की पीढ़ियों ने आगे चलकर बनाया यहूदी देश, वो देश जिसका प्राचीन नाम था लैंड ऑफ इसराइल, यानी कि इसराइल और उनके वंशजों की भूमि। मॉडर्न इसराइल की दावेदारी भी इसी प्राचीन मान्यता पर आधारित है। ये तो हुई इसराइल के गठन की कहानी। अब जूम करके आते हैं जेरूसलम पर। इसराइल जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था क्योंकि उनकी पवित्रतम जगह टेंपल माउंट यहीं पर है। लेकिन जेरूसलम और टेंपल माउंट पर अधिकार मिलना इतना आसान नहीं था। यहूदियों की तरह ही दुनिया भर के मुसलमानों की भी आस्था इससे जुड़ी थी। मुसलमान पहले ही इसराइल के गठन का विरोध कर रहे थे। ऐसे में जेरूसलम और टेंपल माउंट का कंट्रोल इसराइल को मिल जाता तो भयंकर खून खराबा होता, साथ ही ये मुसलमानों के प्रति पक्षपात भी होता। सवाल उठता है कि एक समुदाय की धार्मिक मान्यता को दूसरे समुदाय की आस्था से ऊपर कैसे रखा गया, कैसे लोगों को लगा कि पक्षपात होता है। और इस सवाल के जवाब के लिए संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में दुनिया के बड़े देशों ने एक मसौदा बनाया। इसे कहते हैं पार्टीशन रेजोल्यूशन। इसमें प्रस्ताव दिया गया कि फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा यहूदियों का, दूसरा फिलिस्तीनियों का। और जेरूसलम पर क्या प्रस्ताव दिया गया? मसौदे के मुताबिक जेरूसलम पर इंटरनेशनल कंट्रोल की बात कही गई और इस कंट्रोल का पहरेदार यूएन ने खुद को बनाया। इसराइल इस मसौदे पर राजी था, लेकिन अरब मुल्कों ने इसे खारिज कर दिया। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष का एक अध्याय था 1967 का सिक्स डे वॉर। इस युद्ध में इसराइल की जीत हुई और इसके साथ ही टेंपल माउंट के कंट्रोल में भी एक बड़ा बदलाव हुआ। आपको याद है हमने बताया था कि टेंपल माउंट और हरमन अल शरीफ परिसर का प्रबंधन वक्फ बोर्ड कर रहा था। 1948 में इसराइल के गठन के बाद भी उनका कंट्रोल बना रहा था। गैर मुस्लिमों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1967 के युद्ध में इसराइल ने फिलिस्तीनी कंट्रोल के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और इस अधिकृत हिस्से में टेंपल माउंट भी था। इसराइल ने इस इलाके को जीत तो लिया, लेकिन उसके पवित्र परिसर के कंट्रोल में बदलाव नहीं किया। उस समय इसराइल के रक्षा मंत्री थे मोशे डायन। उन्होंने टेंपल माउंट को लेकर मुस्लिम नेताओं से वार्ता की और दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। इसके मुताबिक टेंपल माउंट के प्रबंधन का अधिकार जॉर्डन को दे दिया जाए, वो इसका कस्टोडियन बन गया। इस समझौते में एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब यहूदियों को भी इस परिसर में प्रवेश की अनुमति मिल गई, लेकिन वो कंपाउंड में आ सकते थे केवल पर्यटक के तौर पर, लेकिन पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। क्या ये समझौता सबको स्वीकार था? जवाब है नहीं। दोनों तरफ के लोग नाखुश थे। कट्टरपंथी मुस्लिम इस परिसर में गैर मुस्लिमों के घुसने से नाराज थे और कट्टरपंथी यहूदी कहते थे कि उनको टेंपल माउंट में प्रार्थना का अधिकार मिले।
और इसी का नतीजा आया 1982 में। इस बरस एलन गुडमैन नाम का एक इजरायली सैनिक पवित्र परिसर में स्थित डोम ऑफ रॉक में घुस गया। उसने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। इस वारदात में 2 लोग मारे गए। इस घटना के बाद यहूदियों और मुस्लिमों के बीच तनाव बढ़ गया। होता यह है कि जब यहूदी परिसर के पास वेस्टर्न वॉल के पास प्रार्थना करते हैं तो कई बार परिसर के भीतर से मुस्लिम उन पर पत्थर फेंकते हैं, और इसी के चलते यहूदियों में भी टेंपल माउंट पर अपना दावा मजबूत करने की जिद बढ़ गई। इसी दावे का एक मशहूर एपिसोड साल 2000 में सामने आया। इस बरस इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शरन खूब भारी भरकम सुरक्षा के बीच टेंपल माउंट पहुंचे। मकसद था इसराइल का अधिकार स्थापित करना, पर इस प्रकरण के चलते भी खूब फसाद हुआ। जेरूसलम में दंगे हुए, आगे के बरसों में भी टेंपल माउंट के इर्द गिर्द तनाव बना रहा। छिटपुट संघर्ष और जोर आजमाइश की वारदातें होती रहीं, और इसमें बड़ा पॉइंट आया 2014 के आखिर में। हुआ ये कि एक यहूदी कट्टरपंथी था यहूदियों के उस धड़े का हिस्सा जो टेंपल माउंट पर इजरायली कंट्रोल की मांग करता था। एक फिलिस्तीनी ने गोली मारकर उसकी हत्या की कोशिश की। कोशिश नाकाम रही, लेकिन वह फिलिस्तीनी इजरायली फोर्सेस के हाथों मारा गया। इस पर फिलिस्तीनी उबल पड़े। दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हुई। तनाव के चलते इसराइल ने कुछ समय के लिए मुस्लिमों के टेंपल माउंट में घुसने पर पाबंदी लगा दी, पर फिलिस्तीनी लीडरशिप ने इसे जंग का ऐलान माना। इसके बाद से ही फिलिस्तीनी इस परिसर को लेकर बेहद सशंकित रहते हैं। उनको लगता है कि इसराइल इस पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। यहूदी कट्टरपंथी भी इस आशंका को हवा देते रहते हैं। अब आप पूछेंगे कि इस सारा इतिहास हम आज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर उस पवित्र परिसर और जेरूसलम के इर्द गिर्द संघर्ष तेज हो गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।